लेते हैं। निजाम मेरे साथ जुड़े हैं। निजाम, अगर अपने आसपास आप कोई तस्वीर दिखा सकें, अपने आसपास अगर कोई चीज है जो आप अभी तैयारियों में दिखाना चाहते हो तो जरूर हमें दिखाइए। निजाम, देखिए हार्दिक की कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की जो लोकतंत्र बचाओ रैली, जो कि कह सकते हैं जिसका मंच तैयार है, आप देख पा रहे हैं इसी मंच पे जो एक तरह से कहें लोकसभा चुनाव से पहले अपने इस चुनाव प्रचार का एक तरह से इंडिया गठबंधन राज करने जा रहा है इस रैली के जरिए। और इस रैली में ना केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे के साथ ही, अगर कहें आम आदमी पार्टी के सभी नेता इसके साथ ही पूरे इंडिया गठबंधन के जो दलों के नेता हैं वो यहां आएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी आपको दिखाए हैं दूसरी तस्वीर, जिसमें कि सामने जो अगर कहें कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर 20,000 लोगों को की संख्या ही ताकीद की है कि इससे ज़्यादा संख्या नहीं हो। दूसरी तरफ आम आदमी और कांग्रेस और तमाम जो दल हैं वो 27 जो विपक्षी पार्टियों के दल, विपक्षी दल हैं वो तमाम जो नेता हैं वो अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लाना चाहते हैं। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं बाहर रैली की तस्वीरें जो अभी निज़ाम, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, अभी आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, और अगर आपसे फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा तो आपसे फिर से जुड़ेंगे। इस वक्त कुछ तस्वीरें हैं जो हम ही अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें तैयारी की चल रही हैं, तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ, ये नारा INDI गठबंधन की ओर से दिया गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निज़ाम लगातार जुड़े हुए हैं। निज़ाम, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है? तो निज़ाम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। निज़ाम, एक बार आप अपना नेटवर्क ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि रामलीला मैदान में जहां इस वक्त निज़ाम मौजूद हैं वहां पर अभी नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ यहां पर पूरा विपक्षी गठबंधन एकजुट हो रहा है, और निज़ाम लगातार जुड़े हुए हैं। निज़ाम, आप एक बार अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। तो ये तस्वीरें निज़ाम हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें निज़ाम की ओर से हम तक पहुंचाई जा रही हैं, जहां पर कांग्रेस के झंडे जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, और कांग्रेस के झंडे यानी कि कांग्रेस की ओर से पूरा समर्थन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का। ये तस्वीरें निज़ाम हमें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कटआउट्स लगे हुए हैं राहुल गांधी के, और ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की है। निज़ाम, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही हो तो कुछ और तस्वीरें अगर आपके पास हो तो दिखाइए। बात करें तो देखिए दिल्ली के इस रामलीला मैदान में अगर बात की जाए तो अगर जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर वैसे तो 10 बजे का समय दिया, लेकिन संभवतः 11 बजे से लेकर, क्योंकि 2 बजे अंतिम समय है इसका, जब 2 बजे खाली करना होगा 2 बजे तक ही रह सकते हैं, तो ऐसे में अब आप 11 बजे से यहाँ रैली की शुरुआत होगी। और साथ ही अगर बात करें तो इसमें पूरे अगर साथ ही ना केवल दिल्ली से बल्कि लोग माना जा रहा है ये पंजाब से भी एक बड़ी मात्रा जो है यहाँ कार्यकर्ताओं की यहाँ पहुँची है। एक तरह से ये जो महारैली है आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस विपक्षी दलों की 27 दलों के नेता हैं, लेकिन ज़्यादा ताकत जो इसमें आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने लगा रखी, क्योंकि केजरीवाल और साथ ही हेमंत सोरेन आज दो विपक्षी दलों के जो नेता हैं, दो कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे जो हैं वो जेल में पहुंचे थे। आज केजरीवाल जो हैं जेल में हैं, और इसके साथ ही इस मुकाम को अगर कहें इस मुद्दे को जो है ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस से तमाम विपक्षी दल जो है वो इसे बुलाना चाहते हैं, और इसी के मुद्दे पर जो कह सकते हैं कि विपक्षी दल अपने जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले अपनी इस ताकत के रूप में पेश करना चाहता है, और यही महारैली जो है इसी को एक ताकत के रूप में पेश करना। बिल्कुल, तो शक्ति प्रदर्शन की जो तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें हम तक जरूर